नमः शिवाय, जय महाकाल। आपको पता होगा वैशाख महीने की जो आखिरी पूर्णिमा है वो आपकी 16 मई 2022 को पड़ रही है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को अपने बच्चों के लिए इस उपाय को जरूर करना है, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। कैसे करना है बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले लाइक करिए। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ पहले समझा देता हूँ। जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, पूर्णिमा मतलब क्या होता है कि जब चांद, जो चंद्र देवता होते हैं, पूरे निकलते हैं, एकदम गोल गोल आपको दिखेंगे, रोशनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसी रोशनी में आपको एक उपाय करना है। कैसे करना है देखो, आपको चाहिए क्या, जो देसी गाय होती है, देसी गाय का आपको दूध चाहिए। कैसे दूध चाहिए देखो, जैसे आपको पता होगा जो गौ माता होती है उनके पास 4 थन होते हैं, ठीक है। आपको आगे की 2 थन से आपको दूध निकलवाना है, कहीं पर भी जाकर के। आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, घर में नहीं हो तो किसी डेरी पे चले जाएं, कहीं पर चले जाएं, उनसे कह दे भैया मुझे आगे की थन का दूध चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही मिल जाए आपको, 2 चम्मच मिल जाए, 4 चम्मच मिल जाए, आप लेके आए, ठीक है। उस दूध से आप क्या करेंगे, अपने घर में कोई सा भी मीठा पदार्थ बनाइएगा, कोई सा भी मीठा, खीर बना लें, कोई खिचड़ी बना लें, मीठी सी कोई चीज बनाइएगा। अगर आप मीठा नहीं भी बना सकते हैं तो उस दूध में क्या करिएगा, शक्कर डाल दीजिएगा ताकि हल्का सा पीने में अच्छा लगे, ठीक है। इतना कर लिया आपने, फिर क्या करिएगा, पूर्णिमा के दिन, कोई सी भी पूर्णिमा पड़े, रात को 12 बजे चंद्र देवता की जो उपस्थिति में, चंद्र देवता के जो कैसे बताऊं, जो चंद्र देवता हैं उनकी रोशनी के नीचे अपने बच्चे को ले जाना है, जिस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर आपको लगता है इसका भविष्य हमें अच्छा करना है, उस बच्चे को ले जा करके वो मीठा पदार्थ जो आपने बनाया है उस दूध का, या फिर उस मीठे में जो भी आपने चीनी वगैरह डाला है, उस बच्चे को चंद्र देवता की उपस्थिति में आपको पिला देना है। बस इतना ही काम आपको करना है, करके देखिएगा, आपको फायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमने करके देखा फायदा नहीं मिला। अरे एक बार करके देखो, 2 बार करके देखो, 3 बार करके देखो, एक ना एक बार तो महादेव जरूर सुनेंगे, ठीक है। तो करके देखिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, टाइम ध्यान रखिएगा, रात को 12 बजे इस उपाय को करना है, ठीक है। बात आई समझ में, कोशिश की है मैंने आपको अच्छा बताने की, समझाने की, बहुत कम टाइम में समझाया मैंने। तो वीडियो को लाइक करिएगा, आवाज पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में जरूर पूछा करिए। और हाँ, अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।